हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं खुशी गॉड और आज फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ आ गई हूँ। तो आज आप देख सकते हैं कि मैं एकदम रेडी हो रखी हूँ। तो आज मैं जाने वाली हूँ देहरादून जा रहे हैं पापा, मैं और आयुष्मान, क्योंकि आयुष्मान और मेरे पे थोड़ा एलर्जी हो रखी है, तो उसके लिए हम देहरादून जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं, देखते हैं आज किधर जाने वाले हम। तो चलो चलते हैं। चलो गाइस जाते हैं, मम्मी को बाय बोलते हैं। बाय बाय मम्मी। चलो गाइस देखो, पापा गाड़ी पैक कर रहे हैं और हम चल दिए छतरपुर से देहरादून की ओर। तो जाते हैं। तो गाइस मैं बैठ रखी हूँ पीछे वाली सीट पे, अकेले बैठ रखी हूँ अभी तक, आज मैं आगे बैठ गया। और ये रहा हमारा छतरपुर का मार्केट, वैसे आपने कई बार देखा होगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू दिखाई दे रहा है। और अब पहुंच गए हैं हम बेली, ये भी मैंने आपको कई व्लॉग्स में दिखाया है। सो गाइस अभी हमने गाड़ी रोक दी है और आयुष्मान और पापा भी वॉशरूम जा रखे हैं, तो मैं यहाँ गाड़ी में भी बैठ रखी हूँ अकेले। इस व्यू को देखने के बाद तो आपका मन ही निकलेगा कि आप कहीं और चले जाओ। गाइस देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है, मेरा मन तो करता है यहीं पर उतर जाऊँ। और सुंदर व्यू के बाद सुबह खुली हम पहुंच चुके हैं। इस एडवेंचर को देखने के बाद आयुष्मान का मन कर रहा था कि मैं वहीं चले जाऊं, पर हम नहीं गए। ब्यूटी ऑफ नेचर, छतरपुर से देहरादून के सफ़र में आपको कई ब्यूटी दिखाई देगी ऐसी नेचर की। और ये है शिव मंदिर देहरादून का, और अब हम यहाँ जाने वाले। तो गाइस देख सकते हैं शिव मंदिर है देहरादून का, और अभी हमने सोचा कि हम यहाँ भी चल जाते हैं, तो हम जा रहे हैं। काफ़ी बड़ा मंदिर आप देख सकते हैं। और मैं रोड क्रॉस करते हुए जिस टाइप से दिखाई दे रही हूँ। गाइस यहाँ पे हम अपने शूज़ खोल देते हैं। चलो मंदिर में एंट्री कर ली है और देख सकते हैं कितना बड़ा मंदिर है। गाइस इस मंदिर में पैसे चढ़ाना बिल्कुल ही मना है, सख्त मना है, सिर्फ दर्शन करो और जाओ इस मंदिर का सिस्टम। देख सकते हैं दुकानें भी खुली। सो गाइस हमने अभी दर्शन कर लिए हैं और हम जा रहे हैं वापस। आप देख सकते हैं मंदिर कितना यहाँ पे तो स्टॉल भी लगे हुए हैं। मैं इस मंदिर में वैसे दो बार ही आ रखी हूँ और गाइस हो गया है, हम यहाँ से चल जा रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं बंदर भी है, बहुत सारे बंदर लड़के गाइस, और जो ही आ रहा है उसको थोड़ा कुछ मांगने की कोशिश कर रहे हैं बंदर। चलो चलते हैं बाहर की तरफ। हर हर महादेव आ गए हम बाहर, और अब यहाँ पे देख सकते हैं कितने बंदर हैं। तो गाइस यहाँ से चल देते हैं हम देहरादून की तरफ, तो देहरादून में जाएंगे हम। तो अभी हम जा रहे हैं गाइस, यहाँ से हम मामा के साथ जाने वाले हैं, तो अभी हम जा रहे हैं। मामा भी आ जाएंगे क्योंकि पापा को कोई काम है, तो पापा वहाँ जाएंगे और हम मामा के साथ जाएंगे। तो अभी मैं आ गई हूँ मामा के साथ, तो हमें अभी बुलेट पे, तो देख सकते हैं। इसके बाद गए हम एक क्लिनिक पे, लेकिन हमारा बेड लग था वो बंद था। फिर हम दूसरी जगह गए, वहाँ हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिला। और ये है थर्ड प्लेस जहाँ हमें अपॉइंटमेंट मिल ही गया, लग नहीं रहा हॉस्पिटल होगा। इसके बाद आते हैं हम मार्केट या वापस, और एक घंटा घर के पास, और अब जाने वाले हैं हम आइसक्रीम खाने। यहाँ पे घूमने का ना कुछ एक्सपीरियंस ही अलग है। और आइसक्रीम लेते हुए आइसक्रीम देख ही सकते हैं सॉफ्टी खाते हुए।
और इसके बाद आ जाते हैं हम अंदर। और यहाँ पे आज मन सोच रहा है क्या खाऊं। उसके बाद हमने फाइनली मोमोज और एक पिज़्ज़ा मंगाया। खाने के बाद हम बाहर चलते हैं। उसके बाद हम मामा के रूम पे गए थे और उसके बाद पता नहीं एकदम से रात ही हो गई, रख ली थी सब। तो फिर हम अब जा रहे हैं घर, रख ली थी छठी, क्योंकि कहीं भी जाओ घूमने आखिर में तो अपने घर आना ही पड़ता है। चलो अब अपने घर की तरफ चलते हैं। वैसे तो देहरादून बहुत सही है, लेकिन अपना घर अपना होता है, सबसे सही हमारा घर ही है। सो गाइज, इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग का एंड करती हूँ, क्योंकि रात हो गई, आपको कुछ ठीक से दिखेगा भी नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर।